नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। या नमस्ते दादा। नमस्कार। नमस्कार नीरज जी, बताइए। थोड़ा सांत्वना कुछ फिर से एक बार दे दीजिए, कुछ दिमाग में बात आ गई है, कोई क्वेश्चन आ गया है। पहले अपने बारे में पूरा बताइए। अपने बारे में मतलब? अरे आप कौन हैं और किस बारे में बात करना है? अरे आप ना, आप तो दो तीन बार बात हुई आपसे। मैं बीएड टेट 2011 का कैंडिडेट हूँ, यहाँ गोंडा से बोल रहा हूँ, नीरज पांडे। आपसे तो मैं काफी दिन से, लगभग एक साल से बातचीत चल रही है हमारी आपकी। नहीं, चूंकि बहुत सारे फोन आते हैं ना डेली। हाँ, थोड़े और तो आप क्या जानना चाह रहे हैं? दो तरह तीन तरह के लोग हैं। एक हैं बस उनको ये जानना है हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं, और दूसरे तरह नहीं, के नहीं, लोग हैं, रुकिए, दूसरे तरह के लोग हैं जानना चाहते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीसरे तरह के जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी स्थिति परिस्थिति को थोड़ा सा समझना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं ये बताइए। मैं तो समझना चाह रहा हूँ, एक चूंकि बीच में एक पॉइंट निकल के आई है शिक्षा मित्रों के पक्ष में, उससे हम लोगों के पक्ष में जो हम लोग आप भविष्यवाणी करते हैं या बताते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है। दो मित्रों से बात हुई हमारी एकदम, तो दो चार लोग जब बात करते हैं तभी मैं आपसे बात करना, आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो जो लोग प्रश्न चिन्ह जहाँ खड़ा कर रहे हैं उनसे कह दीजिए कि बाजार में कहीं ना कहीं मिलता होगा स्वीट पॉइजन, ला करके थोड़ा थोड़ा रोज लेना शुरू कर दें। नहीं सही है, उनका जीना, उनका उनके लिए वही जो है अमृत है, उनको वही चाहिए ही सिर्फ। वो अच्छी चीजें नहीं देखती नहीं। उनको। अगर आप जो है गुलाब का हार पहनाएंगे, अगर आप उनको गुलाब का हार पहनाएंगे तो वो कहेंगे ये कांटों में से निकाल के ला रहे हो, फेंको इसको। उनको गुलाब नहीं दिखेगा, उनको जो उसके जिस पेड़ में से ला रहे हैं आप उसमें जो कांटे हैं वो कांटे दिखेंगे। तो ऐसे लोगों से जो है दूर ही रहना बेहतर है। वैसे क्या सवाल है वो बताइए तो फिर बात किया जाएगा। आपसे जैसे मैं आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ा सा जो कुछ दिमाग में, तो उसके हिसाब से मैं उनको संतुष्ट करता हूँ, क्योंकि एक आशा उम्मीद भी तो रहती है, विश्वास रहता है कि ये जो हमें बताएंगे वो लगभग सही बताएंगे। जैसे मुझे आप पर भरोसा है वैसे हमारे ऊपर वो लोग कर रहे हैं। भाई आपसे आपसे डायरेक्ट बात हो नहीं पाती उनकी, तो हमसे पूछते हैं कि भाई आप उनसे जुड़े हुए हैं सही नहीं। एक चीज बताइए, आज का दिन जो है वो कैसा होगा? धूप निकलेगी, बारिश होगी या कैसा होगा, ये मौसम विभाग किस तरह से बता सकता है? नहीं, हमने आपसे सवाल किया, वो कैसे बता देते हैं इसकी जानकारी कैसे हो जाती है? या फिर फला तारीख को फला दिन को ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, या बात चाहे नासा चाहे इसरो या हमारे जो पंडित जी लोग हैं जो पोथी पत्रा से बताते हैं, वो कैसे बता देते हैं? वो उस पॉइंट पर उनको जानकारी है और कैसे बताए। बिल्कुल, उन्होंने उससे संबंधित जो है नॉलेज ले रखा है और पूरी जानकारी रखते हैं और हर चीज पर नजर रखते हैं, और लेटेस्ट क्या चल रहा है, अभी क्या परिवर्तन हो रहा है, वो हर एक चीज के बारे में पता करते रहते हैं। इसलिए उनको हर एक चीज जो है समझ में आती है और उन चीजों को समझ करके आगे का निकाल करके तब वो बताते हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही है। अगर कोई व्यक्ति सारी स्थिति परिस्थिति को शुरू से देखेगा और अभी जो हो रहा है वो देखेगा और कब कब क्या क्या हुआ हर चीज को समझेगा, उसे सब कुछ समझ में आएगा। अब कोई सिर्फ ये सवाल कर ले कि जो है हमें नौकरी कब मिलेगी, गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, वह कुछ चीजें तो वो दिखेंगी नहीं, वो सामने आने पर दिखेगी। जैसे चार साल से बता रहे थे लाइफ टाइम होगा लाइफ टाइम होगा, कोई मानने को तैयार नहीं था, आज सब मानने को तैयार है, सब मान लिया कि हाँ लाइफ टाइम हो गया। यही लूटे रहे थे, चाहे वो किसी का नाम ले लीजिए, बीएड में, बीटीसी में या शिक्षा मित्र में, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले तक लोग कह रहे थे कि लाइफ टाइम होगा, अभी तो आगे का होगा, उससे हमें क्या पीछे वालों का नहीं होगा। और अब जब लाइफ टाइम हो चुका है तो वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है सिर्फ जो है फॉर्म भरवा कर कमाने के लिए भीड़ बढ़ाया गया है। उल्टी सीधी बातें। खैर, तरह तरह के लोग हैं, अपना अपना देखने सोचने का नजरिया है। लुटेरे तो जानबूझ करके नेगेटिविटी फैलाते हैं।
देखिए आप भी जानते हैं कि आरटी एक्ट आया था 2009 में, और आरटी एक्ट जिसने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वो जा करके डाउनलोड करके पढ़ सकता है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है मुख्य रूप से, यानी कि निःशुल्क शिक्षा देना है और अनिवार्य रूप से हर बच्चे को देना है। तो जब 2009 में आरटी एक्ट आया तो उस समय जितने स्कूल थे और जितने शिक्षकों की आवश्यकता थी वो तत्काल भरने की बात और स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं देने की बात की गई उसमें। तो मूलभूत सुविधाएं देना यानी कि बिजली, पानी, बैठने की व्यवस्था और अन्य सारी सुविधाएं, उस पर भी काफी बजट, और सारे शिक्षक रखना, अभी तक तो स्कूलों में कहीं कोई टीचर नहीं है, कहीं एक टीचर से काम चल रहा है, कहीं शिक्षा मित्र से काम चल रहा है, ऐसा सिस्टम था 2017 से पहले की बात बता रहे हैं। तो टीचर भी सारे रखने थे। तो 2009 में जब आरटी एक्ट आया उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अपने यूपी में मायावती जी की सरकार थी, ठीक है। आरटी एक्ट में जब आंकड़े निकाले गए सभी राज्यों के तो लाखों भर्तियां निकली, यूपी में उस वक्त भी 5 लाख 6 लाख भर्तियां थी, ठीक है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कहा कि जो है आप लोग थोड़ा थोड़ा भर्ती कीजिए, यूपी गवर्नमेंट को 80-80 हजार की 2 भर्ती करने के लिए कहा था केंद्र सरकार ने उस वक्त। लेकिन जानते हैं कि भर्तियों पर राजनीति का असर रहता है, जो भी रहता है सब कोई अपने वोट बैंक देखकर चलता है। तो मायावती जी ने दो चीज सोचा कि एक तो इधर हम 80 हजार के लगभग एक भर्ती कर लेते हैं, फिर चुनाव जीत कराएंगे, फिर दूसरी कर लेंगे, और दूसरा उन्होंने शिक्षा मित्र को समायोजित करना चाहा। तो दोनों ही सही था, लेकिन शिक्षा मित्र समायोजन उनका डिले हो गया, वो कर नहीं पाई और उनकी सरकार चली गई, और उन्होंने जो है 80 हजार की जो एक भर्ती चाहिए उसमें 72,825 निकाली, जो कि विवादित हुआ, और वो भी उनका नहीं पाया, यानी कि शिक्षा मित्र वाला और एक भर्ती 72,825, उनका दोनों जो सपना था अधूरा रह गया और उनकी सरकार भी चली गई। फिर यूपी में गवर्नमेंट बदल गई, केंद्र में वही थी सरकार, तो केंद्र सरकार ने कभी किसी राज्य पर प्रेशर नहीं डाला कि ये चीज़ आप तत्काल कीजिए, जबकि उसमें कागज करने के लिए कि ये सारी चीज़ें करनी है। हाँ, 5 साल का समय दिया गया था, तो 2014 तक का समय था, इसलिए उतना प्रेशर नहीं था कि 2014 तक आपको कर लेना है। 2014 तो यूपी में जब सरकार बदल गई तो नई सरकार आई, उनके ऊपर प्रेशर रहना चाहिए था कि 2014 तक कीजिए ये चीज़ें आप। लेकिन जो सरकार आई इन्होंने दो चीज़ देखा, एक तरफ भेड़ चाल है शिक्षा में और दूसरी तरफ जो है टेट पास हैं जो कि अपने बुद्धि से काम करते हैं। तो बुद्धि वाले तो हम कहेंगे कि हमें वोट दो हमेशा, मेरे तरफ ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो भेड़ चाल है उसमें जो आगे रहेगा, एक भेड़ जिधर चल देगा पीछे वाले सारे उधर ही जाएंगे। तो शिक्षा मित्रों में 2-4 नेता पैदा कर दिए गए कि ये जिधर जाएंगे सारे के सारे उधर ही जाएंगे, हम चाहे जो कहेंगे वो ये करेंगे। तो अखिलेश यादव ने क्या किया वो सबको पता है, जानते हुए समझते हुए बूझते हुए हर चीज को इलीगल जानबूझ कर किया कि भविष्य में इनका जाए भाड़ में, हमें क्या करना, हमारा तो वोट बन रहा है ना, ये अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं, ना समझ हैं, तो इनको तो बेवकूफ बना लेते हैं हम। खैर उसका नतीजा जो हुआ सबको पता है। और दूसरी तरफ था 2014 तक जो है सारे पद भरने थे, तो सारे पद भरने की बजाय उन्होंने टेट पास वालों को जो अपना दुश्मन मान लिया, बीएड वालों को, और जो किया उन्होंने 5 साल सबको पता है, 5 साल तक खाली कोर्ट कचहरी दौड़ाते रहे, ठीक है। दूसरी तरफ वो एकेडमी जो है बीटीसी की भर्ती करते रहे, क्यों, क्योंकि वो हाई स्कूल इंटर में आप सभी लोग पूरी यूपी में हर कोई जानता है, यूपी के बाहर भी पूरे भारत में प्रचलित है कि यूपी में जो हाई स्कूल इंटर होते हैं, मुलायम सरकार में जो एक प्रवृत्ति चल निकली थी नकल वाली, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए ये चाहते थे कि जो एकेडमिक भर्तियां होती हैं बीटीसी वगैरह की, ये सारी चीज़ें चलती रहें तो नकल वाला प्रवृत्ति चलता रहेगा, यानी कि ये भी एक तरीके से वही भेड़ चाल वाली। तो भेड़ चाल में ही वो बीटीसी को आगे कराते रहे, चलिए ठीक है वो भी कराते रहे, भर्तियां कुछ किए, जो भर्ती किए भी तो सारे सारे बीटीसी वाले विवादित थे, कोर्ट में गया। तो कुल मिलाकर के ये कहानी जो था सबको पता है कि अखिलेश यादव ने क्या किया, मायावती जी ने क्या किया, और उस वक्त केंद्र में कांग्रेस थी, उन्होंने भी क्या किया क्या नहीं किया, तो सबको सबने देखा है। लेकिन स्थिति परिस्थिति जो थी वो वही की वही बनी रही, आरटी एक्ट लागू था, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा वो कंपलसरी एजुकेशन वो देना ही था, पद भरने ही थे, स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी थी, सारे टीचर के पद भरने थे, जो लाखों की संख्या में 5 लाख 6 लाख जो भी पद खाली थे वो भी भरने थे। 2014 में केंद्र में सत्ता बदलती है,
नई सरकार आती है, सारे मंत्रालयों के सारे डिपार्टमेंट के फाइल मंगाए जाते हैं, कहाँ क्या क्या करना है डिसाइड होता है, उसके बाद अलग अलग कमेटियां बनाई जाती हैं, वैसे ही शिक्षा विभाग के लिए भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी सभी राज्यों के जो है डिटेल मंगाए जाते हैं, सभी राज्यों पर नज़र डाली जाती है, सभी राज्यों का देखा जाए बुरा हाल, तो उस वक्त देखा गया तो बहुत बुरा था, तो इन्होंने जो है सब पर कमेटी बना दी और नई शिक्षा नीति के माध्यम से सारी चीज़ों को हल करने के लिए एक नई शिक्षा नीति कमेटी प्लान। बना दी, प्लान कर लिया। तो जो नई शिक्षा नीति जो प्लान कर रहे थे उसमें इन समस्या जो राज्यों में सारी समस्याएं थी उन समस्याओं को निकाल करके उनको हल करने के लिए ही प्री प्राइमरी प्राइमरी और ये सारे सिस्टम उसमें रखा गया, और अब वो लेकर आ चुके हैं 2020 में। तो वो प्लान लेकर के आ गए हैं, लेकिन 2014 में जब इनकी सरकार आई थी तो एक समस्या ये आ रही थी कि जो RTE एक्ट लागू हुआ था 2009 में, उसमें 5 साल का छूट दिया गया था, 2014 में वो छूट खत्म हो गया था। ठीक है, अब इनकी सरकार आते इनके सर पर बोझ आ गया कि भाई तत्काल ये काम कीजिए, तो तत्काल हम अचानक से आकर कहें कि तुरंत आज ही कर दी, ये संभव नहीं था। तो इन्होंने देखा कि ये काम तुरंत नहीं संभव है, इसलिए RTE एक्ट की समय सीमा जो छूट वाली थी उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया, यानी कि जो 31 मार्च 2014 को वो समय खत्म हो रहा था वो बढ़ा करके फिर जो है 31 मार्च 2019 किया गया, और ये जो किया गया है यूपी में जब योगी सरकार आई उसके बाद किया गया है। तो वो एक समस्या जो थी तत्काल वाली, वो थोड़ा राहत मिल गया सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को भी राहत मिल गया, क्योंकि तो बजट अचानक से नहीं आ जाता। तो 2020 में नई शिक्षा नीति लेकर के आए, अब नई शिक्षा नीति के माध्यम से हर चीज को कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो जो अब नया सिस्टम ये लेके आ रहे थे नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी का, तो प्री प्राइमरी में कौन रखा जाए, तो इसके लिए इन्होंने NIS से DLED निकाल दिया। 15 लाख लोग भारत में NIS से DLED किए हैं, अभी वो कहीं भी एलिजिबल नहीं है, कोई भी टेट नहीं दे सकते हैं। अभी 6 महीने या 1 साल के अंदर आप देखेंगे उनके लिए एक नई TET परीक्षा आएगी, और वो टेट परीक्षा वो पास करके प्री प्राइमरी में वैलिड किए जाएंगे, ये भविष्य में होगा, 6 महीने 1 साल बाद देखने को मिलेगा। फिलहाल जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं, प्री प्राइमरी के लिए 5 कक्षाएं हैं, प्री LKG UKG, तो जो आंगनबाड़ी था उसी को कन्वर्ट किया जा रहा है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वगैरह और वहां पर थी उन्हीं को वहां पर जो है सेटल करके उन्हीं से पढ़ाई का कार्य कराया जाएगा, जो पद जहाँ खाली भी थे। अभी आप देख रहे हैं 58,000 भर्ती चल रही है आंगनबाड़ियों की, तो आंगनबाड़ियों की भर्ती चल रही है, और गवर्नमेंट की प्लानिंग है अभी 6 महीने 1 साल बाद ये भी देखने को मिलेगा, केंद्र सरकार चूंकि पूरे भारत में है आंगनबाड़ी, इनके लिए भी 6 महीने या 1 साल का कोई कोर्स लेकर आएगी, संभवतः 1 साल का, जितनी आंगनबाड़ी पूरे भारत में होंगी, यूपी में तो 2 लाख के आसपास या हमें लगता होंगी या ज़्यादा ही होंगी, तो इन सभी आंगनबाड़ियों को ट्रेनिंग देकर LKG UKG और उधर प्री वाला पढ़ाने के लिए ट्रेन किया जाएगा, भविष्य में ये चीज़ें अभी आएंगी। खैर अभी वहाँ ट्रेंड होने की जरूरत नहीं है, उनको 6 दिन का ट्रेनिंग दे करके आंगनबाड़ियों से काम शुरू कराया जा रहा है, जुलाई से यूपी में शुरू हो रहा है, बिहार में भी जुलाई से शुरू हो रहा है, बिहार सरकार घोषणा कर चुकी है, यूपी सरकार ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, दिख भी रहा है, पेपर में बराबर आ रहा है। तो प्री प्राइमरी में 3 कक्षा यानी कि LKG UKG और प्ले वाला आंगनबाड़ी अभी फिलहाल देखेंगी, और इनको ट्रेंड करना और बाकी चीज़ें इनसे करा करके स्थायी इनको करने का कार्य भविष्य में होगा। अब आता है प्री प्राइमरी में कक्षा 1-2, तो 1-2 के लिए गवर्नमेंट ने जो प्लान किया वो ये प्लान किया पूरे भारत में कक्षा 1-2 में शिक्षा मित्र योजना चाहे जिस भी नाम से जहाँ भी चल रही है ये लोग पढ़ा रहे हैं सालों से, इनके ऊपर कभी किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, राजनीति के शिकार हर राज्य में हुए हैं, जैसे यूपी में अखिलेश सरकार ने इनको राजनीति करते हुए इलीगल समायोजन किया, चाहते तो लीगल तरीके से किए होते लेकिन वो छेड़छाड़ चलाना चाह रहे थे, तो इनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो इनके लिए भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से कक्षा 1-2 जो कि प्राइमरी में था वहाँ टेट अनिवार्य था, तो केंद्र सरकार ने कक्षा 1-2 को उठा करके प्राइमरी से प्री प्राइमरी में कर दिया, पहले वहाँ टेट की अनिवार्यता समाप्त हो जाए, और हो चुकी है, वहाँ टेट अब अनिवार्य नहीं है। तो अब जो है वहाँ पर जितने भी शिक्षा मित्र हैं, पैरा टीचर हैं, या जो भी जहाँ भी जिस भी नाम से योजना चल रही है, जो भी पढ़ा रहे हैं शिक्षा मित्र, तो उनको अस्थाई करके फिर से उनका समायोजन जैसे यूपी में हुआ था, कैंसिल हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर समायोजन यहाँ करेंगे, जहाँ नहीं हुआ तो वहाँ समायोजन होगा। तो 20 राज्यों में फिलहाल 20 राज्य के आसपास जो है प्लानिंग है कि 20 राज्यों में करने जा रहे हैं, इसकी घोषणा संभवतः जुलाई अगस्त में हो जाएगी, केंद्र सरकार कर देगी, एक साथ होगा सब जगह का। तो जैसे ही ये अस्थाई हो जाएंगे तो इनकी सैलरी अपने आप वही 30-35 हज़ार के आसपास चली जाएगी। इसी पॉइंट पे तो हमें पूछना था। हाँ बोलिए।
इसी शिक्षा मित्रों वाले कि मतलब कुछ लोग अभी बताए कल परसों में शायद मानदेय बढ़ाने की बात हुई, क्या योगी जी ने मानदेय बढ़ाने की बात कही? अब यही तो अभी हाँ या ना में जवाब आप दीजिए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं। हमें तो अभी स्टेटमेंट आया कहीं? हमें तो नहीं मिला इस प्रकार का अभी, कहीं टीवी में कहीं किसी न्यूज़पेपर में कहीं नहीं है। योगी जी ने कुछ नहीं कहा, दिनेश शर्मा जी ने कहा कुछ इस बारे में, किसी ने भी नहीं कहा है। ना हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं ना कोई बोला, जब किसी ने कहा ही नहीं तो जो लोग कह रहे हैं मानदेय बढ़ाने की बात, वो या तो अनपढ़ है पूरी तरह से, या तो फिर वो वही हैं बैल बुद्धि जो अक्सर हम कहते रहते हैं भेड़ चाल चलने वाले, किसी बेवकूफ ने कह दिया बस वो सुन लिए और उसी की बात सच मान लिए, वो सच्चाई के पीछे नहीं भागेंगे। हम बार बार कहते हैं अखबार में भी कोई चीज आता है उसको भी परखना पड़ेगा, ये न्यूज किसके बिहाफ आ रहा है। अखबार वाला अपनी तरफ से तो नहीं कुछ चीजें छाप रहा है, अखबार वाला ऐसा तो नहीं कि कोई नेता परेता के कहने से छाप रहा है, अखबार वाला ऐसा तो नहीं कि कोई पैसा दे करके छपवा रहा है उससे गलत इन्फॉर्मेशन, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट कोई प्लान कर रही हो और उस चीज को ओपन न होने पाए तो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, जैसे होता है ना खेल खेलने के लिए हम अगले को पता चले मेरी चाल क्या है तो हम कुछ गलत चीजें भी जानबूझ करके दिखाते हैं ताकि वो समझ ना सके मेरी चाल, तो कभी कभी गवर्नमेंट भी फेक न्यूज डलवा देती है। तो अखबार में जो न्यूज आ रहा है उसको ध्यान से लोग पढ़ते हैं, नहीं समझ पाते नहीं किसके बिहाफ है वो। खैर वो लोग जब ऐसे इतना जो आरटी एक्ट है नई सिद्धांत उसमें लिखा हुआ नहीं समझ पा रहे हैं तो अखबार की न्यूज कौन दे रहा है कैसा किस लिए आ रहा है वो कहाँ समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के उनका मानदेय नहीं बढ़ेगा, कारण उसके पीछे है वो ये है कि संविदा खत्म करना है, ये बात स्पष्ट लिखा है नई शिक्षा नीति में, कोई भी पढ़ ले संविदा 2022 तक डेडलाइन है उसमें। संविदा खत्म करने की बात, अस्थाई नियुक्ति की बात आरटी एक्ट भी करता है, आरटी एक्ट जब आया था तो कांग्रेस थी केंद्र में लेकिन उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यूपी में जो सरकारें थी वो नहीं की, पिछली सरकारों ने ये सब नहीं किया खाली लिखित में वहां पर डाल दिए। लेकिन अभी जो फिलहाल है 2022 इसका डेडलाइन है कि संविदा सारे खत्म करना है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों चाहे वो अनुदेशक हों वित्तहीन हों कस्तूरबा वाले हों या कहीं भी कोई भी संविदा वो पढ़ा रहा है वो सारे संविदा क्रमशः 2022 डेडलाइन है। हो सकता है 22 में पूरी तरह ना हो, थोड़ा और समय लग जाए लेकिन 2022 डेडलाइन है उसका, तो खत्म होना जब संविदा खत्म होना है तो जाहिर सी बात है कि भाई वहां पर जब संविदा रखा नहीं जाएगा तो परमानेंट ही रखे जाएंगे, तो परमानेंट करने का काम चल रहा है शिक्षा मित्रों का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उसमें स्पष्ट ऑर्डर में है लिखा हुआ कि इनको दो मौके दिए जाएं, ठीक है ये तो लिखा है इनको दो मौके दिए जाएं, लेकिन स्पष्ट उसमें ये नहीं लिखा है कि जो दो मौकों में सिलेक्ट नहीं हुआ उनका क्या करना है। उसके लिए लिखा हुआ है कि राज्य सरकार इनको देखे, राज्य सरकार पर छोड़ा है, ठीक है। तो चूंकि ये शिक्षा मित्र योजना आंगनबाड़ी योजना ये सारी चीजें केंद्र सरकार लेके आई थी तो केंद्र सरकार इनके लिए प्लान किए नई शिक्षा नीति के माध्यम से, आंगनबाड़ियों को 6 महीने 1 साल का ट्रेनिंग देकर भविष्य में वहां स्थायी करने का है। और शिक्षा में तो होने जा रहे हैं, जुलाई बाद यूपी में शुरू हो जाएगा, उधर बिहार में भी इसकी प्लानिंग हो चुकी है शुरू होने जा रहा है, जहां जहां इनकी सरकार है बीजेपी की वो करने जा रहे हैं, 20 राज्यों का है इनका टारगेट, ठीक है। तो शिक्षा मित्र जो भी है वो भाई बताए ना पहले ये भेड़ चाल है, इनको अखिलेश यादव ने भी भेड़ चाल माना था, इनके जो नेता हैं गाजी मामाला और वो शाही और पता नहीं कौन कौन है वो भी जानते हैं ये सब भेड़ चाल हैं, इन्हीं से पैसा लेकर हम लूट कर खाते हैं, इन्हीं के पैसा से हम नेतागिरी करते हैं और ये बेवकूफ इनको आज तक नहीं पता है, वो भी जानते हैं कि हम इनके पैसे से लूट कर रहे हैं और ये समझ नहीं पाते इसलिए इनको लूटते रहो गुमराह करते रहो उल्लू बनाते रहो। खैर शिक्षा मित्र वास्तव में हम तो कहते ही हैं उसमें कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो वो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो खैर ये शिक्षा मित्र की बात हो गई, अब आते हैं 2011 क्या है तो अपने मुद्दे को। 2011 मुद्दा अखिलेश यादव के लिए हो सकता है, मायावती के लिए हो सकता है, आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, लेकिन फिलहाल सारे मुद्दे होने के बावजूद भी 2011 मुद्दा कहीं है ही नहीं। ना आम आदमी पार्टी 2011 के बारे में बोलती है, न स्वयं अखिलेश यादव बोलते हैं 2011 बारे विज्ञापन के बारे में, न मायावती बोलती है, कोई नहीं बोलता है। 2011 वाले बिल्कुल जीरो हैं सबके लिए, क्यों? क्योंकि 2011 वालों की संख्या कितनी है, 1 लाख 1.25 लाख यही ना। लेकिन आप जब बोलते हैं बीएड टेट तो वहां कितने लोग आते हैं, वहां 10 लाख 20 लाख 25 लाख लोग आते हैं। तो बीएड टेट 2011-2012 वाले अगर ये सोचते हैं कि हम कहीं मुद्दा में हैं, हम ट्वीट करेंगे ये करेंगे इससे ये होगा वो होगा, तो महा बेवकूफ है वो कहीं है ही नहीं किसी के गिनती में, वोट बैंक कोई किसी के नहीं है, ये
कोई नहीं मानता, क्योंकि जो भी मानता है वो बीएड टेट को मानता है, और बीएड टेट में 2011 ही नहीं आता है, 2011 से लेकर आज तक वाले आते हैं सारे, है वो अलग मुद्दा है। तो यहाँ बीएड टेट भी नहीं, यहाँ सिर्फ टेट हम बोलेंगे, क्योंकि टेट बोलने से क्या होगा कि बीएड भी आ गया, बीटीसी भी आ गया, डीएलएड भी आ गया, शिक्षामित्र भी जो टेट पास वो सारे आ गए, तो सभी सरकारें टेट लेकर चलती हैं। तो यहाँ पर भी नई शिक्षा नीति में टेट को ही लेकर चली है केंद्र सरकार, कि जो टेट पास हैं जितने भी पद का उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, करीब 11-12 लाख का प्रस्ताव है, वो तत्काल भरने के लिए वो MHRD जल्द ही घोषणा करने जा रही है। जैसे अभी आया है ना इसका लाइफ टाइम का, रमेश पोखरियाल जी ने घोषणा किया, फिर NCT ने लेटर जारी किया, फिर राज्य सरकार में योगी सरकार ने बोला और आज लेटर भी जारी हो गया। तो ऐसे ही ये पद भरने का जल्द ही जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर MHRD से लेटर आ जाएगा, और रमेश पोखरियाल जी हो सकता है संभवतः स्वयं आकर के वो बोले मीडिया में, अगर वो नहीं बोलते हैं तो स्वयं मोदी जी बोल सकते हैं। 11-12 लाख भर्ती ये करने जा रहे हैं, जिसमें से 2,75,000 बिहार में है और यूपी में 2,17,000, पूरी लिस्ट है सभी राज्यों की, वो हम कई बार शेयर किए हैं, उतने की पेपर कटिंग में कई बार हम शेयर किए हैं। जब प्रस्ताव भेजा गया था, प्रस्ताव पास हो चुका है, उसका सिर्फ घोषणा होना बाकी है। तो वो सारी नई वैकेंसी जो आने की चर्चा है उससे पहले हो जाए तो हाँ, उससे पहले ही होगी, क्योंकि जो कोर्ट ऑर्डर उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो है जब तक ये सारी चीजें पीछे वाले मुद्दे हल नहीं हो जाते हैं तब तक नई भर्ती न आए। तो गवर्नमेंट ने भी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार चलते हुए 68,569,000 दो भर्ती को जो है दो मौके भी दे दिए, ठीक है, नई कोई भर्ती भी नहीं लेके आई है, ये पुराने है शिक्षा मित्र समायोजन रद्द वाले पद हैं, और ये भी भर्ती अभी क्लोज नहीं हुई 68,569,000, ठीक है। तो जो नई भर्ती 51,000 या 97,000 की चर्चा है वो होने से पहले, उससे पहले जो है ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो 2,17,000 यूपी में जो है, यूपी की जो योजना है वो है 2018 तक, यानी 2011 से लेकर के 2018 तक जितने भी टेट पास हैं क्रमशः इनको वर्षवार नियुक्ति देना, ये यूपी का है, लेकिन पहले चरण में 2,17,000 भरने का प्लान है। तो इसके अंतर्गत 2011 से लेकर के 2017 तक, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, शिक्षा में तो जो भी टेट पास, वो सारे इसके अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। अब बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में 2-3 बार हुआ है TET, वहाँ पर कई नियुक्तियाँ भी हुई हैं, तो वहाँ पर टेट पास की संख्या कम है, इसलिए वहाँ पर 2011 से संभवतः 2019 या फिर 2020 तक सारे टेट जितने भी हैं सबको लेने की योजना है। वहाँ उत्तराखंड में वहाँ पर भी टेट पास कम थे, तो वहाँ भी 2011 से 2020 तक लेने की योजना, अभी भी वहाँ TET परीक्षा कराया गया है 2021 में। तो बहुत हो सकता है अगर टेट पास कैंडिडेट कम हो रहे होंगे तो 21 वालों को भी उसमें शामिल कर लेंगे। तो अगर अपने अगल बगल राज्यों को भी नज़र लोग डालेंगे तो दिखेगा, जो चीज़ हम बता रहे हैं यूपी के लिए वो चीज़ें अगल बगल राज्यों में हो रही हैं, बिहार में हो रहा है, उत्तराखंड में, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, और यहाँ पर भी वही सरकार है जो केंद्र में है BJP की। और ये कॉमन सी बात है कि जब केंद्र में और राज्य में सेम गवर्नमेंट होती है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। केंद्र सरकार कोई योजना लेकर आती है तो राज्य सरकार पूरा करती है उसे, कहीं बीच में टांग नहीं अड़ाती है, और जब राज्य सरकार टाइम टेकिंग नहीं करती, हाँ, जब राज्य सरकार कोई योजना लेकर आती कुछ करना चाहती है तो केंद्र सरकार उसे सपोर्ट करती है। और इसके पहले बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ होगा कि जो केंद्र में जो सरकार हो यूपी में भी वही सरकार, भाई पहले अखिलेश यादव की थी तो केंद्र में थी नहीं, मायावती की थी तो केंद्र में थी नहीं, तो सब एक दूसरे में टांग अड़ाते थे। इस कारण से 2009 में RTA एक्ट आने के बावजूद सारी चीजें नहीं हो पाई, न कांग्रेस ने कभी कराना चाहा, न इन सरकारों ने कभी करना चाहा, दोनों एक दूसरे में टांग अड़ाते रहे। खैर अभी सारी चीजें हो रही हैं, लोग विश्वास नहीं हो रहा है, लोगों को ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लाइफ टाइम होगा, आज हो चुका है। तो वही सारी चीजें हम बताते हैं जो हैं, जो हमें जानकारी है। अब MHRD घोषणा करने जा रही है, जो चीजें हम बता रहे हैं, जिस दिन घोषणा कर देगी जुलाई में अगस्त में जब भी कर दे घोषणा, वो भी सामने आ जाएगा। लोग उल्लू बनाए हैं 2012 विज्ञापन भर्ती हो गया, 2012 विज्ञापन सब कुछ नहीं, कहीं कोई किसी भी विज्ञापन पर एक बार भर्ती होती है। 2011 में विज्ञापन आया था, उस पर कोर्ट ने कहा संशोधन कीजिए, तो 2012 में संशोधन करके विज्ञापन जारी हुआ था। एक विज्ञापन पर एक ही बार भर्ती होगी, ये कोर्ट अच्छे से जानती थी, इसीलिए उन्होंने लिबर्टी सब्जी का भर्ती करने को नहीं कहा। और उसी कोर्ट ऑर्डर में लिखा है अंतरिम आदेश पूरा करने को, तो अंतरिम आदेश जब पूरा करने जाएंगे तो पहला अंतरिम आदेश है कि 2012 विज्ञापन का पैसा वापस कीजिए। तो जो पैसा वापस होगा तो अपने आप वैसे भी वो विज्ञापन खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने पैसा वापस करने के लिए फॉर्म भरवाई रखा है, और संभवतः सुनने में आ रहा है उस बैंकों को भेज दिया गया है लेटर, पैसा जो है अकाउंट में डालने के लिए सारा डिटेल भेज दिया गया है, संभवतः अगस्त के बाद कभी भी
अब वो उसमें पैसा मान कौन लीजिए उठाने कोई लगेगा? जो पैसा न, फार्म ना भरा हो उसका क्या होगा? वो बेवकूफ है, गया काम से वो भाग भूल हाँ जाए पैसा अपना। भाई कोई भी चीज का मौका मिला है, आप उसके अंदर का फॉर्म भर के उसका लड़ाई लड़ते रहिए। तो जो अगर नहीं भरा वो तो बेवकूफ है। अगर वो कह रहा हमें नौकरी चाहिए पैसा नहीं चाहिए तो भी बेवकूफ है, नौकरी तो मिल ही रही है, पैसा तुम्हारे न लेने से थोड़े कोई चीज बदल जाएगा। तो पैसा तो वापस होने जा रहा है, वो पैसा वापस होगा। वो गलत पैसा लिया गया था 290 करोड़, वो इसलिए अभी तक नहीं वापस किया गया क्योंकि 290 करोड़ जो सपा सरकार ने लिया था अखिलेश यादव ने, वो भी पूरी फाइल गायब है, उसमें भी भ्रष्टाचार का पता चल रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है होटल बना रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो अभी भविष्य में वो फाइलें खुलेंगी तो अभी सामने आएगा उनका भी घोटाला कि 290 करोड़ जो लिखा के बैठे हुए हैं, तो वो भी आएगा सामने। खैर वो तो गवर्नमेंट हैंडल करेगी, उनका मैटर। ये हमको तो पैसा, अब चाहे अखिलेश कुर्सी पर रहे चाहे कोई रहे, अगर वापस हो रहा है तो जो रहेगा पैसे वो देगा। मतलब तो बेवकूफ हैं एक से एक। फेसबुक पर आप देखेंगे जो है, कहेंगे ये पैसा लेकर बैठे हैं, ये किए हैं, पैसा दिए कौन सी गवर्नमेंट को और किसके लिए लिखते रहते हैं। खैर तो सही। हमें लगता है आपके सारे सवालों जवाब मिल गया होगा, काफी लंबा डिस्कशन हो गया, सारी चीजें समझा दिए। ठीक है, और कुछ हो बताइए। बस यही एक था पॉइंट कि वो सब लोग बताने लगे कि उनका मानदेय बढ़ने वाला है, और जब मानदेय बढ़ेगा इसका मान दे कि इसका कोई मतलब बात सुनिए करता है सुनिए तो तो वहां एक मिनट बोलता एक है। मिनट सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए एक मिनट। वो कहे कि मतलब मानदेय बढ़ेगा इसका मतलब पुनीत भाई की सारी जो शिक्षा में समायोजन वाली बात है वो कैसे सही जाएगी? तो जिसने भी कहा ये बात उससे कह दीजिए तुम महामूर्ख हो, रोज सुबह उठ करके बाहर निकला करो, घर के बाहर एक नाला होगा, नाली होगी, और उसके पानी से मुंह धुल लिया करो तो तुम्हारा दिमाग ठीक चलेगा। मतलब इतने बैल बुद्धि हैं कि इनको सच में उसी से मुंह धुलने लायक रोज सुबह, तब इनकी आंख खुलेगी। हाँ तो रोज सुबह इनसे कह दीजिएगा, जो भी हमें नहीं पता कौन है, जो भी है उससे कहिएगा कि हमने कहा है सुबह उठ करके घर से बाहर निकले और जो सबसे बड़ा नाली नाला जो भी दिखाई दे उसी के पानी से मुंह धुला करे डेली, तो उसे जो है आराम मिलेगा, उसकी बुद्धि सही हो जाएगी जल्दी ही। उसका यही ट्रीटमेंट है, मतलब अनपढ़ लोग हैं एकदम। खैर चलिए, ठीक है तो हम कहे भाई क्लियर कर लें, उनको कुछ जवाब दे देंगे सही से। हाँ अरे हम ये ऑडियो भी डाल देंगे उनको, कह दीजिएगा सुन लेंगे खुद ही ठीक है ठीक इसीलिए हम ऑडियो है डाल देते हैं ताकि लोगों तक पहुंच जाए और जो भी उनके मन में सवाल है वो जो है उनको जानकारी मिलती रहे। अब हर किसी से कितना बात करेंगे, अब आपसे बात हुई सही करीब सही आधे घंटे बात हो रही है, अब हर व्यक्ति से सही सही आधे घंटे हम इतनी डिटेल में समझाएंगे नहीं। लोगों की तरह तरह के सही सवाल हैं, कोई कहता है कि हमारा एज निकल गया है। अरे मूर्ख, एज से क्या मतलब है जब विवाद पुराना है तो हाँ। है। और वैसे भी गवर्नमेंट हर समस्या का हल कर रही है, बीएड वैलिड नहीं था तो अरे एज का वैलिड मैटर होता तो शिक्षा मित्र को भी तो उसमें पतना चाहिए एज वाले। वो अभी 69 हजार भर्ती में देखिए ना, 58 साल वाले लोग नियुक्ति पाए हैं। क्यों? क्योंकि विवाद पुराना था, तो यहाँ एज का कोई मतलब नहीं है। तो लोग बेवकूफ है ना, चीजों को इतना नहीं समझ पाते, पता नहीं कहाँ से। हमें तो लगता है कि 80% से ज्यादा लोग जो है, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे डीएलएड वाले हों, वो शिक्षक बनने लायक है ही नहीं है। डिग्री खाली जुगाड़ से ले लिए हैं, बुद्धि जरा सा भी नहीं नहीं है, कुछ ना पढ़ना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। सही चलिए तो उनको बता दीजिएगा, मानदेय का जिस दिन उनको कहीं सुनने को आए, जो भी व्यक्ति कहे उसको जो है एक थप्पड़ लगा दिया करें कि कहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, संविदा सब खत्म होने जा रहे हैं। और संविदा खत्म क्या, संविदा कुछ न कुछ तो रहेगा हमेशा। भाई किसी की डेथ हो गई, कोई किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी कारण से कोई कहीं चला गया, कुछ भी हुआ, थोड़े समय के लिए अगर पद खाली है तो ऐसा तो है ना शिक्षा रोक देंगे। तो सही है शिक्षा कुछ समय के लिए, जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती है तब तक के लिए संविदा तो वो चलता रहेगा। और हमारी ये संविदा उसमें नियम जो नियमावली है उसमें है, संविदा 3 महीने से 6 महीने तक हो ही सकता है, तो वो सारी चीजें चलती है। हाँ ये लंबा जो चल रहा था शिक्षा मित्र योजना या अन्य योजना, ये सब खत्म किए जाएंगे शिक्षा विभाग में स्पेशली। ठीक है चलिए, तो फिर आगे फिर बात होती रहेगी, लंबी बात हो गई, रखते हैं। ठीक, नमस्कार सर। ठीक, नमस्कार।